May I come in, sir? Yeah. Dharmesh, वो ब्लैक वाली फाइल मानो को दे। सुमानव, फ्रॉम नाउ ऑन करंजकर हाउस के लीगल हकदार तुम। सुमानव, to go home and wash a smile on the faces of your family. Excuse me. Yes, Butler. All right. Okay. ऐसे क्यों देख रहे हो? वाओ, एक्चुअली मुझे लगा कि तुम्हारे घटिया दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल रहते हैं। दूसरों की जिंदगी में कांटे बोना बंद कर दो, वरना एक दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी कांटों से भरकर रह जाएगी। तो हम ये देख रहे हो तुम, ये सारी चॉकलेट्स, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। लो ना, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना सोहम, ये लो। मैं चॉकलेट ले लूंगा सोहम। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो ना। देखो सोहम, ये सारी चॉकलेट मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तब जब तुम ये कहोगे तुम्हें मेरे सोहम नहीं आपका सोहम, तो ये लो, ये सब कुछ ले लो। देखो, आइंदा ऐसा कभी मत कहना कि तुम मेरे सोहम नहीं हो। क्या बेटा? अरे, और ये सब चॉकलेट लेकर जाओ, ठीक है? सतीश, लो। चल। सतीश, सोहम बेटा संभल कर जाना। क्या हो रहा है? पागल हो गई हो? अरे ऐसे किसी के भी बच्चे को सोहम बना के यहाँ पे ले आओगी तो यहाँ पर भी हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। सतीश, क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं किसी और के बच्चे को उठाकर नहीं लाई, वो हमारा सोहम ही था। अरे पापा का सोहम था। ऑफिस में भी फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? अर्चना जी भी फोन नहीं उठा रहे। क्या बात है अर्चु, तू इतनी परेशान क्यों है? आई वो मानव। क्या हुआ मानव को? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं। आई वो मानव अब तक आए नहीं ना, तो बस मुझे टेंशन हो रही है। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा देखा है मानव काम से देर से लौटता है, तो फिर आज इतनी परेशान क्यों हो रही है? उसने कहा था क्या कि वो जल्दी आएगा? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। तो लो, वो आ गया। मानव, कहाँ थे तुम? अर्चना कितनी परेशान हो रही थी। आई, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। तुझे प्रमोशन मिला या डीके सर ने तेरी सैलरी बढ़ाई? नहीं आई, ना तो मेरा प्रमोशन हुआ है और ना ही मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ, लेकिन आज खास जरूर हुआ है। चलिए, आप लोग गेस कीजिए, जो गेस करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नहीं, वो मेरा मानव, आपको आपको नया प्रोजेक्ट मिला है ना? मैं बताती हूँ, शायद तुम्हारी कंपनी तुम्हें किसी काम की वजह से विदेश भेज रही है। मानव, फिर बताइए ना जल्दी क्या है।
बता दूं? हाँ प्लीज बताइए जल्दी। आपके घर के पेपर। घर के पेपर? लेकिन मानो ये पेपर तुम्हारे पास कैसे? एक्चुअली ये सब डीके सर की मेहरबानी। नीलामी के वक्त मैं यहाँ नहीं था तो उन्होंने मेरी खातिर किसी और के जरिए ये घर खरीद लिया और आज ये पेपर्स मुझे सौंप दिए। क्या? आई आज मैं बहुत खुश हूँ। डीके सर की वजह से क्यों ना हो, लेकिन आज मैं अपना वादा पूरा कर पाया। डीके सर ने घर खरीद लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी हमें उनके पैसे लौटाने होंगे और इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? आई आप उसकी चिंता क्यों करती हैं? डीके सर ने मुझसे कहा है कि मैं जब चाहूं जैसे चाहूं पैसे लौटा सकता हूं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी, आप क्यों सोच रही है? मैं सब संभाल लूं, आप बस अपने घर के मिलने की खुशी एंजॉय कीजिए। चलो अच्छा हुआ, अब सुलोचना और मनोहर की मुसीबत अपने घर चली जाएगी और मैं यहाँ सुकून से जी पाऊंगी। डीके सर ने तो वाकई में बहुत बड़ा काम कर दिया, अब उनके पैसे चुका देंगे 50-60 सालों में। सुलोचना, ये जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है ना, कभी एक हाथ से हमारी खुशियां छीन लेती है तो दूसरे हाथ से हमारी झोली खुशियों से भर देती है। एक बेटे ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो दूसरे बेटे ने उसे हमें लौटा दिया। माना बेटे, तुमने हमें हमारा सिर्फ घर ही नहीं लौटाया है बल्कि हमारा सम्मान, हमारी इज्जत हमें लौटाई है। बेटे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। बस पापा से यही प्रार्थना करता रहूं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनाए रखे। अरे मानो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं, तूने बहुत पुण्य का काम किया। मुझे गर्व है, मुझे तेरे जैसा बेटा है। आओ, हम कल ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? मानव, क्या हुआ? भाई को उनकी खुशियां लौटाने के चक्कर में मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं अपने आप को आई से अलग कर रहा हूं। अब आई से रोज रोज मुलाकात नहीं हुई, जो प्यार मिलता था उनका रोज रोज वो नहीं मिला। आई बहुत याद आएगी आपकी। याद तो हमें भी बहुत आएगी मानव। देखो, हम अपने घर इसी शर्त पर जा रहे हैं, तुम हमें मिलने रोज आओगे, ठीक है ना? अर्चु, चल निगुया का।
मुझे छोड़ने नहीं आएगी? ये क्या, रो क्यों रही है? तू नहीं समझ रही है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी आई? इतने दिन हो गए तुम मेरे साथ रह रही हो, मैं कैसे रहूं? मुझे पता है तुम इस घर से नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तू चली गई और तेरी याद आने लगी। अरे मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना आए? अरे जैसे पहले रहती थी ना वैसे। लेकिन आई मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, संभाल अपने आप, ये रोना वोना बंद कर दे। अच्छो सचिन आएगा, वो मेरे बारे में पूछेगा, जब उसे पता चलेगा कि अब मैं इस घर में नहीं रहने वाली तो उसे बुरा लगेगा, मुझे पता है। तुझे उसे संभालना होगा, ठीक है? ऐसे रोते रोते मुस्कुरा के विदा कर। मानव, बेटा अर्चू का ख्याल रख, और अगर ये इसी तरह रोती रहे तो मुझे फोन करके बता दे, फिर मैं इसे मिलने कभी नहीं आऊं। माना, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे सुलोचना ताई, आप इतने दिनों बाद अपने खुद के घर में जा रही हो, मैं बहुत खुश हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ताई, इतने दिनों में मेरे मुंह से अगर उल्टा सीधा निकला हो तो उसका बुरा मत मानना। अरे ये सामान उठाने का है ना, सुंदरी को बोल के आती हूँ। अरे सुंदरी, तुझे समझता नहीं है, चल जल्दी सामान उठाना है ना, चल ना। अब तो बहुत खुश होगी ना, बुढ़ा बुढ़िया घर छोड़ के जा रहे। बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं किया करते। देख सुलोचना ताई को लेकर मेरे मन में जो खटास थी चली गई। और एक बात बता, सुलोचना ताई इतनी बुरी नहीं है, है? अजीब औरत है, पल में मोम पल में कुछ और, बप्पा ही बचाया ऐसी औरत से। अरे हाँ, मुझे तो सामान रख देना। बिना पैसे की मेहनत, पगार उंगली पर देते और काम मुट्ठी पर कराते। कुछ कहा तुमने? वो सामान वान उठाने का काम ना मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे बाबा खुली होते तो ये काम मुझे रोज करने को मिलता। इतना पसंद है तुम्हें ये काम, तो एक काम करो, एक आखिरी बैग बालकनी में, वो भी ले। जल्दी ले। हाय मानव, कैसे हो? संदीप, हाउ आर यू? क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? बस अपना तो ठीक है यार, चल रहा है रोज की भागा दौड़ी है, और बहुत दिन बाद दिखाई दिए। हाँ यार, रहता तो यही हूँ लेकिन काम का स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया। ओह कैसे चल रहा है तुम्हारा काम, हाउ इज इट गोइंग ऑन? काम अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग फाइन, जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है, बस पहले की तरह फैमिली और दोस्तों को वक्त नहीं दे पा रहे। अब तुम ही देख लो ना, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बिजी होने के साथ हमारे न मिलने की और एक वजह है, मैंने अपना यहाँ का घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ। क्या यार, इस बात की मुझे बिल्कुल खबर ही नहीं मिली, लेकिन इस तरह अचानक कोई खास वजह? वजह तो है मानव, इस चौल में रहकर मानो मेरी कामयाबी पर एक रोक सी लग गई थी। यहाँ का माहौल, यहाँ का पिछड़ापन, इस चौल ने मुझे समझौते की मिडिल क्लास के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। मैं लिटरली तंग आ गया था, मानो आदमी तरक्की करे भी तो कैसे करे, इसलिए मैंने ये चौल छोड़ दिया। और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये चौल छोड़ने के बाद तरक्की ही तरक्की की है। एक तो मैंने अपना ये घर बेचा, घर बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले, उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज ऊपर वाले की दुआ से मेरा बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है। हाल फिलहाल मैं भाड़े के फ्लैट पे रह रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं अपना खुद का एक बड़ा सा फ्लैट भी लेने वाला हूँ। मानो ये जो थोड़ी बहुत मुझे सोसाइटी में इज्जत मिल रही है ना, जो मान सम्मान मिल रहा है ना, बस इसी वजह से। वाह संदीप, तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। थैंक यू मानव, चल
टेक केयर बाय बाय। सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ आज का दिन ही बाकी है, कल तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है घर खाली करने की, हम यहाँ से नहीं जाएंगे विनोद। मतलब ये कि मैंने अब तक तुम्हारी तरह हार नहीं मानी है। मैं अपने इस घर को वापस पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगी। अरे विनोद, जिस आदमी ने ये घर नीलामी में खरीदा है ना, वो एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं जाऊंगी उससे बात करने के लिए, उससे बात करूंगी और उससे कुछ समय के लिए घर किराए पर ले लूंगी, और फिर उसके बाद इस घर को वापस पाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। मतलब फिर से झूठ, फिर से धोखा। हाँ तो झूठ ही सही विनोद, धोखा ही सही। कम से कम मैं इस घर को बचाने के बारे में सोच तो रही हूँ। तुम जैसे निकम्मे इंसान की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हूँ। एक मिनट वहीं पर रुक जाओ आप लोग। इस तरह कहां घुसे चले आ रहे हो? ये मेरा घर है, यहां पर आने की हिम्मत कैसे हुई? अब ये क्या नया नाटक है तुम लोगों का? लगता है तुम दोनों इस घर के संस्कारों को पूरी तरह से भूल चुके हो। मंजू का तो संस्कारों के साथ कभी कोई वास्ता था ही नहीं, लेकिन हम विनोद से उम्मीद कर सकते थे। लेकिन नालायक बीबी की संगत में ये भी नालायक बन गया है। तुम दोनों को इतनी भी तमीज नहीं? घर के बड़े जब सामने आते हैं तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अरे आशीर्वाद की बात तो छोड़ो, उल्टे तुम हमारा अपमान किए जा रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग हो ही उसी लायक। और ये ना भाषण कहीं और जाकर देना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। वैदी, आई बाबा से तमीज से बात कीजिए। अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज क्या होती है? इनसे क्या और किस तरह बात करनी है ना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मानो। पर मैं तुम लोगों से बात कर क्यों रही हूँ? और मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो। आई बाबा यहाँ अपने घर में रहने आई। अपने घर में? किसने कहा कि ये घर इनका है? जिसने नीलामी में इसे खरीदा था। तुम्हारा मतलब क्या है मानो? मतलब जिस इंसान ने नीलामी में ये घर खरीदा है उस इंसान ने ये घर आई को लौटा दिया। अरे तुम क्या बके जा रहे हो, होश में तो हो? हम हमेशा से होश में थे वहीनी, और अभी भी होश में। लेकिन अब आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिससे कि आपके होश ही उड़ जाए। मानव बताइए, आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि जिस इंसान ने नीलामी में यह घर खरीदा है वो और कोई नहीं बल्कि डीके सर है। उन्होंने मुझे अपने काम से शहर से बाहर भेजा था और मेरी गैरहाजिरी में ये घर खरीद लिया, और जब मैं वापस आया तो मुझे यह घर लौटा दिया। और अब कानूनी तौर से घर मेरी आई का।
चलाई।